नमस्कार दर्शकों, हर सप्ताह की बातें इस सप्ताह भी आपके बीच सदा ग्रुप एक नाटक लेकर आया है। ये सिर्फ नाटक नहीं, एक मुद्दा है आपके बीच, आपके इस समाज के बीच एक ऐसा मुद्दा हम लोग यहाँ छोड़ रहे हैं जिसका गौर करना आवश्यक है। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे के साथ आए हैं, ये मुद्दा आप सभी जानते हैं, नगर निकाय चुनाव हो गए हैं और अब चेयरमैन की जो कुर्सी है, चेयरपर्सन बनने की जो दौड़ है, सब लोग भाग जा रहे हैं। सभी भैया ये कहते हैं कि हमारा 13 वोट पक्का है और बस किसी एक का मिल जाए और हम चेयरपर्सन बन जाएंगे। तो इस मुद्दे पर एक नाटक लेकर हम आपके पीछे आए हैं और ये बताने की कोशिश है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या सही में हो रहा है। तो आइए बिना समय गंवाए नाटक शुरू करते हैं। इसका नाम है कुर्सी प्रेम। तो आइए शुरू करते हैं नाटक कुर्सी प्रेम। हम बंदे हैं कुर्सी के, मांगे सबसे वोट अपनी सबसे दोस्ती, नहीं किसी से तो दे दे वोट, दे वोट, दे वोट, दे हमें वोट, दे भाई। अरे हम हालत देख के नहीं लग रहा है, पर हम नया नया चुना हुआ वार्ड सदस्य हैं। अरे क्या बताएं भाई, क्या बताएं। अरे अभी कुछ सप्ताह पहले हम लोगों के पास जाते थे और कहते थे कि ए भैया वोट दे दीजिए, ए माता वोट दे दीजिए। ऐसा कर करके हम ना वार्ड का चुनाव जो था वो जीत गए। तो हम सोचे जीतने के बाद सब काम खत्म, लो सबसे बड़ा मुसीबत अब शुरू हुआ है। ए भाई, अरे हम जहाँ जा रहे हैं ना, तो ये चेयरमैन वाला चुनाव के कारण सब मेरा एगो वोट पाने के लिए एकदम परेशान कर दिया है भाई। अरे इधर जा तो उधर पकड़े, हाँ उधर जा तो उधर पकड़ ले। अरे मतलब एक वोट के लिए इन लोग एकदम परेशान करके रख दिया है। अरे हम तो हमें दिमाग खराब हो रहा है। अरे 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 फिर से आया, कहाँ भागे कहाँ भागे, हम यहीं छुप छुप जाते हैं। अरे अरे हमारे कहाँ है हमारे कलाई, ए भैया अरे थोड़ा सवेरे से खोज रहे हैं भैया, अरे हमारा चेयरमैन के कुर्सी पक्का कर दे राजा, ए कहाँ हो हमारे ए, अरे कहाँ है नहीं हमको नजर आया है, अरे हमारे वार्ड सदस्य, अरे अरे हुजूर, अरे अभी तो खोज रहे हम कर रहे थे। मैंने खोजते कर तो यहाँ नहीं पहुँच गए। अरे खोजते खोजते एक काम करे, अरे खोजते ही खोजते ही तो पहुँचे हैं। एक काम करिए, आप अपना बहुबल वोट देंगे, हमारा चेयरमैन के कुर्सियाँ पक्का करवा दीजिए। ये भाई अरे चैन से रहे तो भाई, अरे चैन से, अरे आप हमको वोट दे दीजिए, हमारा हमको चेयरमैन बना दीजिए, आप चैन से चैन में रहिए, हमको क्या दिक्कत है। ए भाई अरे हमारे पीछे काहे पड़े हो, हमारे को वोट दे तो तुम चेयरपर्सन बन जाओगे। अरे भैया एक ही वोट, क्या बात कहते हैं, क्या बात कहते हैं, नहीं ये क्या है, सब जुगाड़ कर लिया है, सब सेटिंग हो गया, सब 13 को हो गया, आपको खाली को मिल गया ना, 14 को हमारा कन्फर्म हो गया, हम चेयरमैन बन गए, आप अपना भटवा हमारा दे दीजिए। एक को बाकी है, एक को है आप ही का, 13 को सब सेटिंग हो गया हमारा। तो हम सोचते हम जा सोचते हैं, अरे सोचने का समय नहीं है, नहीं बस खाली इतना सोचिए कि हमको चेयरमैन बना दीजिए और उसके बाद देखिए आपको हम माला माल कर देंगे, माला माल, हाँ। माला माल कर देंगे, हाँ काची के माला माल कर देंगे। अरे अरे आप कैसे बताएं, आप नया नया ना जीते हैं, अरे हम इतना साल से लड़ रहे हैं जीते नहीं, एक मतलब पहला बार जीते, एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है, हम आपको
माला माल कर देंगे, माला माल रुपया से दम लाद देंगे आपको। हम माला माल होने के लिए नहीं बने हैं वार्ड सदस्य। ए भैया, जनता हमको वोट दी है। अच्छा, अब वोट किसके लिए दी है? हाँ। कि हम कुछ विकास का काम करेंगे। अरे यही हमको बोलते हैं कि माला माल करेंगे। अरे यही बकवा तो हम कह रहे हैं। आप अपना महुबल वोट देके हमको आप चेयरमैन बनाइएगा तो हम आपके बारे में छोटा मोटा सोचेंगे। अरे बड़ा सोचेंगे, लाद देंगे ढोते। अब भाई, हम बहुत कमजोर आदमी है। अच्छा, लादोगे टूट जाएगा पीठ। अरे तो एक बात आपको बता देते हैं, नहीं समझ में। सुनिए, देखिए एक काम करते हैं। आप अभी घर से कैसे आए हैं? घर से लिफ्ट मांग के आए हैं। आप आए हैं ना? देखिए, एक वार्ड सदस्य आप बने तो आप वो सुन दूसरा समझिए कि वो गाड़ी होना चाहिए कि नहीं। आप आज देखिए, सुनिए, हम असमंजस में मत रखिए। वो फोर व्हीलर गाड़ी आपके यहाँ पहुँचवा देते हैं, बस आप अपना फोटवा हम हम आपके कौन लगते हैं कि आप गाड़ी गिफ्ट कीजिए? कौन लगते हैं? अरे पुराना रिश्ता है जी, आपके घर पर हमारा आना जाना, खाना पीना सब होता है। कहते कौन सा रिश्ता है? देखिए, टेंशन मत लीजिए, समझे हैं ना हमार बात ना आपका बात। 5 लाख रुपया पक्का मान के हमारा वोट दे दीजिए आप। दे दीजिए भाई, क्या कर रहे हो भाई? अब दे दीजिए हमको वोट। 5 लाख हो गए। 5 लाख का 5 लाख हमको घर है उसमें ही चाहिए, तो काय कर हमको जाए दीजिए। अरे दिमाग काहे खराब करे, सुनिए ना हमको नहीं चाहिए। अरे भैया सुनिए ना, 13 हो के हम 1 लाख देकर फंसाए आपको। हम आपको 6 लाख दे दिए, काले दे दिए, वोट हो गया पक्का। नहीं चाहिए। अरे अरे भाई, अरे भाई, आप किसी का मत सुनिए। समझे? आप अपना दिमाग से सोचिए। हमको चेयरमैन बनाइए। आप चुनाव नहीं लड़े थे, चेयरमैन कैसे बनिए? मतलब कि हम नहीं लड़े तो क्या हुआ है? अरे हमारा बीवी लड़ी थी, अजीती भी है। अपनी बीवी को चेयरमैन बनाना चाहते हैं। ये काहे के लिए वोट मांग रहे भाई? अरे इनकी बीवी लड़ी, अरे बीवी आके मांगे, ये काहे छटपटाई? अरे बीवी मांगे चाहे माता ना मांगे, पतवा तो बराबर है। कोई चेयरमैन बनेगा तो बनेंगे ना। फालतू बात मत करो। पहले से हम सेटिंग कर लिए हैं। अब पहला हम बोले हैं इनको, हाँ तो इनको हम बोले हैं, सुनिए होना चाहिएगा नहीं। हाँ, हम आपको पहले पकड़े हैं, आप हम ही को फोड़ देते हैं। अच्छा, क्या है? अच्छा, ज्यादा सेटिंग था ना। सब टूट गया। अच्छा, जितना समर्थन था आधा तो हम ही तोड़े। बुर्बा, आम का पेड़ है, डाउंगी तोड़ लिए। हमारा एक आदमी है तो होने नहीं होगा। 13 को तो कर्मठ है, कर के मर जाएगा, मगर है तो होने नहीं खाएगा। 13 को है, यहाँ 13 वोट हो गया। अच्छा, एक वोट की जरूरत है। ए भाई, खराब करो 13 को इनका है, 13 को हमारा है, 13 को हो गया। जैसे आप कह रहे हैं ना, वोटर गारंटी है। हाँ, तो आजकल का युग बड़ा खराब है। सही बोल, देखिएगा अपना के भरोसे नहीं है। आई सब पराया है, कैसा टक लिया ना, तो आप 13 करते रह जाइएगा। देखिए आप, आपका मिजाज एकदम गर्म कर दिया है, सब बोल के गर्म कर दिया है। वो काम करते हैं, देखिए ना, ठंडा पीजिए, ठंडा सोचिए, ठंडा विचार रखिए, और ठंडा ही करके हमारा पार्टी दीजिएगा। पार्टी देंगे आप? चलिए हमारा बंगला पार्टी, बहुत व्यवस्था रखे हुए, व्यवस्था समझते हैं ना। अरे ठंडा यानी सब कुछ बोलिएगा। हमें नहीं जाना भाई, हमें घर जाना। अरे काम करिए, सुनिए, आप घर चल जाइएगा, मगर अपना फोटवा हमरा दे के चल जाइए। अरे सोचेंगे, अरे केकरा हाथ है तो तोरा का लग रहा है? तोरा जरा हाथ है ना, ओकरा आशीर्वाद लेके हम यहीं आए हैं, समझे? सेटिंग करा, धमकी दे रहा है, फोन करावे के। अरे हमरो ओकरे सेटिंग आशीर्वाद लेके हम यहाँ आए। एक काम कीजिए, सुनिए ना, सुनिए ना, काहे आप टेंशन ले।
आप बस अपना वोट हमको दे दीजिए और देखे आप बहुबल कितना बहुबल है समय हमारा देख हमारा हटा दे अभी आ रहे हैं दिमाग खराब सुनिए हां सर आप पीछे से सुने थे कार आ गाड़ी लगी बोल रहे थे पैसा अरे बड़ी बड़ी बोले कैसे बोले कौन सी बोले ये बोले हैं कि 6 लाख रुपया एगो चचक का अरे जितना देंगे ना ओकरा से 1 लाख ज्यादा समझे कि नहीं बाकी वोट हमारा बताए 10 लाख ज्यादा थे 50 लाख ज्यादा था हमरा घरे जाए ए भैया घरे जाइए ना हम कहां रुके हैं अपने में बांट लो पैसा हम चले तो सुनिए ना घरे चल जाइएगा काहे दिमाग खराब कर ले वोट दे दीजिए आधे आप निकल जाइए अरे बेटा पॉकेट में है ए भाई चुनाव आएगा हम मेरा एक वोट है हम अपने मर्जी से देंगे भाई हमारा ना तो पैसा ना गाड़ी ना कुछ ना चाहिए अरे भैया तो सुनिए ना अरे भैया तो कहाँ खड़े रुको तो भाई ए मैं भाई साहब रुकिए ना घर कहाँ ना जानते हैं घरे अरे तो घरे जाइए घरे का क्या खाती है अरे मैच देखेंगे जाए ना मैच देखिएगा हम टीवी लगा ले हमारा का चलिए देखिए हाँ आराम से मैच चलिएगा कहाँ मैच देखिए अरे खाए खाए ला गरम गरम मिलेगा घरे तो ठंडा मिलता हो गर्मी में गरम ना खाते अरे ठंडा फ्रिज वाला खिलाएगी आपको अरे फ्रिज में पापड़ रख दिया है बासी हो गया अरे फ्रिज में पापड़ रख दिया ठंडा जाएगा आपको खिलाएंगे अरे बासी हो गया अरे बासी कहाँ ठंडा बोले ना ठंडा ठंडा फ्रिज में तो पापड़ खिलाएंगे अरे पापड़ ठंडा कौन खाता हो ये दिमाग खराब मत कीजिए सुनिए ठंडा ठंडा कुल कुल किया हमको अपना वोट दे के केवल फिर महीनिया पक्का करा दे यही तो खाली अपने जीत कर रहे हैं अरे हमको बने दीजिए देखिए 13 वोट हमारा पक्का हो गया अरे भैया तब तोरा 13 गो है तो कौन हम 6 गो लेके बैठल हमरो 13 गो है आप कैसे मिल गया और के पकड़िए हम जाए दीजिए अरे और कोई ना है सर और रहता तो हम स्टेशन तक पकड़ ना लेते आप ही तो एगो जीते हैं सब हार ले हम कच्चा पक्का जन्मे नहीं करते भाई हम अपना मर्जी से वोट देंगे सही बात है भैया अपना मर्जी से हमको देंगे सही बात है आगे मेरा मर्जी है भाई अगर लोग पहले हम बोले अपना मर्जी से हमारा देंगे मर्जी मर्जी का हम वोट देंगे चुनाव आएगा ठीक है अब हमको जाए दो ज्यादा करे हुए दिक्कत तो बस दिखा देंगे सुनिए ना दिखाइए मत ये काम कर दीजिए सुनिए ना कल ही पढ़ने वाला है तो आज सेटिंग होगा बता दीजिए ना रात को नींद नहीं आएगा बता दीजिए आप अरे कल मैच है देखिए ना भाई कल मैच है अरे तो मैच के छोड़िए ना एक रात तो बड़का मैच है एक बार जीतिए तो 5 साल मैच खेलते रहिए अरे देखिए देखिए फुसला रहे हैं अच्छा हम काजते हैं ना देखिए ये भाई की बात आप बैठ जाइए अच्छा कहिएगा ना तो आपको मालामाल हम अरे छोड़िए ना 5 साल हम तो 20 साल से बैठले हैं 20 साल से कौन हमारा जीता है रे सब सबको हरा दिया पहला बार जीते हैं इतना साल के बाद कल उम्र लैप्स हो गया 50 साल हो गया उम्र पहला बार जीते हैं अपनी चेयरमैन हमारा करा दे बउआ अगला साल से हम ना उठा रहेंगे वो मतलब हम सोचेंगे ना अरे चुनाव आएगा हम सोचेंगे कौन अच्छा है तो हम उसको वोट देंगे अरे भैया तो सोच लीजिए ना सोचिए ना हिया सोचने में का है सोचिए कुछ सोचिए ना अरे हम दिमागवा घरे छोड़ के आए जाएंगे इंस्टॉल करेंगे तब ना सोचेंगे घरे जा रहे हैं आप घरे जाए पड़ेगा एकदम सही बोले हो भाई ये सब आपको लालच में फंसा रहे हैं सही बोला सही बोला भाई तू कौन हो चेयरमैन के रेस में दिमाग खराब कर रहा होगा जी सही बात बोल रहा है सही बात बोल रहा है 27 को वोट है हम मारते हैं वो आपका तो 39 को वोट पर है पैसा है तेरा पैसा है अरे ए भाई तेरा को वोट कौन है कि सब में तेरा को वोट बचा अरे सब झूठा है सब झूठा है सच्चा हम आते हैं तेरा को मेरा भी है अरे पैसा तो वोट मिलता है ए भाई साहब इन्होंने मत सोचिएगा पहला बार हम आपके पास आए मुंह खोलिएगा तो रुपया से मुंह बंद कर देंगे अरे माथा बचा रहे हैं माथा बचा रहे हैं जैसा मत ए सुनिए है ना ये ना ये काम कर दीजिए ए भाई साहब आप लोग का चेहरा बने काहे फालतू बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं ए भाई हमारा है अरे छोड़िए अरे छोड़िए अरे छोड़िए हमको छोड़िए अरे हमको छोड़िए अरे छोड़िए ना भाई ले भाई हम सोच लिए हैं सोच लिए हमारा बारे में ए भाई साहब हमारे बारे में सोचे हैं ना अरे सोचे हैं हम चेयरमैन बनाइएगा हम जानते हैं ये हम तो सोचे कुछ बोलना है बोल लो जब हम बोलेंगे ना आप तो हम सोच लिए हैं हम सोच लिए हैं अब
हम भी चेयरमैन के लिए लड़ेंगे। ताली 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 बजे भाई। हालांकि सामाजिक सरोकार के उनके बीच बस एक ही मुद्दा है कि किस तरह से चार दंड भेद अपना करके हम पाले और उसके बाद अपना विकास करें। तमाम मुद्दों को लेकर के आपके बीच सदा हमेशा हर परिवार को चौराहे पर एक उपस्थित होती है। इस बार लगातार जो नगर चुनाव था उसको लेकर के आपके बीच उदय कुमार जी हमेशा अपने नागरिकों के साथ उपस्थित होते रहे हैं। मित्रों, ये पहला इतिहास है कि हर हफ्ते एक नए सामाजिक सरोकार और नए मुद्दों के साथ आप स्टेशन गोलम्बर में नाटक देखते हैं। हम यहाँ के जो तमाम दर्शक हैं हम उनके भी आभारी हैं कि आप लोगों की वजह से ही ये नाटक सफल होता है। आप लोग ये सिलसिला बनाए रखें। ये पहला इतिहास है पूरे हमको लगता है विश्व रंगमंच में कि हर हफ्ते कहीं पूरे शहर में आप हिंदुस्तान का इतिहास बना के देखिए, विश्व का रंगमंच का इतिहास देखिए। ये पहला इतिहास है, ये पहली अपनी तरह की घटना है कि हर हफ्ते सामाजिक मुद्दों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं और आप तमाम दर्शकों का प्यार वापस मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।